अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे वीडियो मेरे किचन गार्डन के थोड़ी सी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूं। यहाँ पर हमने लगाए हुआ था गार्लिक के देसी वैरायटी, जो कि यहाँ स्वाद में बहुत मशहूर है। इनके बल्ब छोटा होता है लेकिन जायके में बहुत अच्छे होते हैं। अभी बस इसके हार्वेस्ट में तकरीबन कुछ दिन बाकी है। ये हमने दिसंबर में लगाए थे लहसुन जो कि हर घर की ज़रूरत है। ये बिल्कुल छोटा बल्ब इनका होगा, इनका थोड़ा बड़ा होगा, इनका भी बड़ा होगा, ये सबसे बड़ा होगा। ये रही है देसी वैरायटी। इनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। अब इस इनके लिए अब कलर चेंज कर रहा है। जब ये मुकम्मल ड्राई हो जाए तो फिर ये निकाल देंगे। अपने किचन गार्डन में हमने लगाए थे गार्लिक G1 वैरायटी के, जो कि NRC इस्लामाबाद वाले के तहकीक है एनया। इनके बल्ब बहुत बड़ा होता है, इस्लामाबाद से मंगवाए थे हमने ये। तो ये भी अभी तक तो इनका कलर बिल्कुल ग्रीन है, इसमें काफ़ी टाइम है। इसमें कुछ बल्ब जो है बहुत बड़े होंगे, कुछ इसमें भी छोटे होंगे। ये हमने थोड़ा ज़्यादा पार्सली पे लगाए थे ट्रायल बेस पे। तो माशाल्लाह इनकी तो ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है। नई नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। ये बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक है, कोई पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड हमने इसमें यूज़ नहीं किए। इसकेत की जरखीजी काफ़ी ज़्यादा है, इसमें हमने गोबर की खाद ज़्यादा मिक्स की थी, तो उसी वजह से इनका ग्रोथ माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। ये हो गया गार्लिक की वैरायटी G1। लहसुन के साथ हमने लगाया हुआ है प्याज, जो कि दोनों घर की ज़रूरत है, किचन गार्डन के अहम जुज़ है। ये भी लगाए हुए हैं, बेहतरीन वैरायटी की है, लश ग्रीन है अभी, क्योंकि इसमें अभी हार्वेस्ट में बहुत टाइम है। इसके बीज जो है ना, पपीस के प्लांट भी आए हुए हैं। ज़्यादातर लोग तो ये पसंद नहीं करते हैं।
प्याज की ज़रूरत थोड़ा ज़्यादा होता है घर में, तो उसी वजह से प्याज ज़्यादा लगाया हुआ है किचन गार्डन में। काफ़ी हेल्दी प्लांट है, दूर दूर इसलिए लगाए हुए हैं कि ये बल्ब अच्छे आ जाए। जितना इनका फासला ज़्यादा होता है उतना ही इनका बल्ब बड़ा बन जाता है। तो गार्लिक के देसी वैरायटी, जीवन वैरायटी, वो भी तो देसी है क्योंकि हमारे अपने मुल्क के वो तकनीक है। ये प्याज जो है ना, ये भी ऐसे ही समझे कि अपनी सीड से लगाए हुए हैं। किचन गार्डन में इसके साथ ही हमने ये कद्दू के वैरायटी लगाए हैं क्योंकि इनमें अभी फ्लावर आना बाकी है। ज़्यादातर हम लोग इनके ये इतनी ही काट के इनके साग बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं। इनकी ग्रोथ भी माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही हमने लगाया हुआ है किचन गार्डन के एक बहुत ही अहम जूस, ग्रीन चिलीज। जो कि अभी फ्लावरिंग पे है, आप लोग फ्लावर्स देख सकते हो इसमें। ग्रीन चिलीज के साथ ही ये हमने लगाए हुए कैप्सिकम, ये तमाम के तमाम अभी फ्लावरिंग पे है, फ्लावरिंग बड आए हुए हैं, आप लोग देख सकते हो। तकरीबन हर प्लांट में यही है। इसके साथ ही लगाया हुआ है एक प्लांट, चराबारी की वजह से इसके पत्ते थोड़े ख़राब हुए हैं, जो नया ग्रोथ हो रहा है इंशाल्लाह वो ठीक होगा। इसमें फ्लावरिंग बड्स भी आए हुए हैं। उसके साथ लगाए थे हमने ये पालक के साग,
जो कि बहुत ज़्यादा हुए थे, उस वजह से तकरीबन उनका तो अभी सीज़न ख़त्म हो गया है और रमज़ान की वजह से इनकी सफाई नहीं कर सके। तो नेक्स्ट क्रॉप के लिए अभी ये तैयार करना बाकी है। ये यहाँ से वहाँ तक इनका ये अलग प्लॉट था पालक का। अभी भी खाने के काबिल है लेकिन टाइम नहीं है इनको तोड़ने के लिए। धनिया के बारे में पहले भी एक वीडियो शेयर की थी तो वो उस वक्त फ्लावरिंग पे थे, अभी भी इसमें ज़्यादातर फ्लावरिंग पे है लेकिन अभी जो इसमें है ना ये सीड बनना शुरू हो गए हैं। तो फिर ये ड्राई करके आप ये देख सकते हो इसमें ये ड्राई होना शुरू हो गए हैं। तकरीबन सारा ड्राई हो गया है। कुछ फ्लावरिंग भी है और कुछ में जो है ना वो सीड्स ड्राई होना शुरू हो गए हैं। आज का मौसम इंतहाई खूबसूरत है, बारिश तकरीबन अभी आने वाली है। तो इंशाल्लाह विद इन 2 वीक ये तमाम के तमाम जो फ्लावर्स हैं वो सीड्स में बदल जाएंगे, फिर ये यहाँ से हार्वेस्ट करेंगे और ड्राई करके फिर वो यूज़ करेंगे। किचन गार्डन में फ्रूट प्लांट्स ना हो तो वो भी नहीं चलता है। यहाँ पर पीच के चंद पौधे हमने लगाए थे तो वो अभी फ्रूटिंग पे है। इस प्लांट्स का दूसरा साल है और उस पर माशाल्लाह बहुत सारे फ्रूट्स आए हुए हैं। आड़ू जो कि स्वाद के थ्रोट पाकिस्तान में मशहूर है।